कभी अपराधियों के लिए जाना जाने वाला गोरखपुर अब तेजी से बदल रहा है। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बदमाशों की पुलिस ने ऐसी कमर तोड़ी कि अब उन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता भाने लगी है। गीता के उपदेश याद आने लगे हैं। आचरण में सुधार के लिए जेल में सजायाफ्ता 450 कैदी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं, जबकि अन्य बंदियों ने भी जेल प्रशासन से धार्मिक पुस्तकों की डिमांड की है। गोरखपुर जिला कारागार में कैदियों ने अपने आचरण में सुधार का संकल्प लिया है। यहां तक कहने लगे कि अगर इस बार वह जेल से बाहर गए तो अपराध छोड़ देंगे। उन्होंने गीता के उपदेशों से प्रभावित होकर यह संकल्प लिया है। कई कैदी गीता के उपदेशों की मदद से अपने अवसाद को दूर कर रहे हैं। इसका प्रभाव यह है कि उनमें सकारात्मक सोच विकसित हो रही है। इससे कईयों की मेडिटेशन और दवाइयों पर निर्भरता भी कम हो गई है। गोरखपुर मंडली कारागार में कुल 1967 बंदी है, जिनमें से करीब 450 सजायाफ्ता है। कई तो ऐसे भी है जिनसे मिलने अपना कोई नहीं आता। ऐसे में वे श्रीमद् भागवत गीता पढ़कर मानसिक तनाव कम करते हैं। करीब 30-40% बंदियों को पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में जिला जेलर अरुण कुशवाहा ने बताया कि जेल में बंद बड़ी संख्या में कैदी व बंदियों ने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने की इच्छा जाहिर की है, उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। इससे उनके व्यवहार में काफी बदलाव भी नजर आ रहा है। इसकी वजह से ही कई सजायाफ्ता बंदी जेल में ही काम भी कर रहे हैं और अपने घर पर पैसे भी भेज रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जेल की लाइब्रेरी में कई अच्छे लेखकों की पुस्तकें भी मंगा दी गई हैं। बंदियों को मानसिक शांति के लिए, और बंदी जब अपने परिवार से समाज से दूर जेल में रहते हैं तो उनको तमाम तरीके के तनाव वगैरह शुरू होते हैं, तो उससे बचने के लिए वो धार्मिक पुस्तकों का, योगा का, मेडिटेशन का, प्रार्थना का सहायता लेते हैं और उससे वो भविष्य के लिए अपने को तैयार करते हैं कि कैसे वो अपराध को छोड़ के सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। लगभग 2000 के आसपास कैदी हमारे यहाँ निरुद्ध चल रहे हैं, तो उसमें 1600-1700 के आसपास बंदी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं। वजह ये है कि वो मानसिक शांति के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं और उससे उनका समय भी आसानी से कट जाता है। जो व्यक्ति कहीं काम नहीं करते हैं तो उनका पुस्तकों में सामान आसानी से समय कट जा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।